विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने अंतिम चरण में है, ऐसे में सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोगों से उनके पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। जहां सिरसा से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने सिरसा की बाजारों में डोर टू डोर अपील कर लोगों से वोट देने की अपील की है, इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनकी पार्टी पर भी निशाना साधा है। जनता समझ नहीं पा रही है ये 75 पर क्या है, ये तेल के रेट थे, प्याज के रेट थे, यह हमारा जो डॉलर का रुपए का रेट हो गया वो है। अब जनता देख रही है कि 75 पार का नारा दिया था वो किन चीज़ों को लेकर था, महंगाई को लेकर था। महंगाई इनसे कंट्रोल हो नहीं रही, किसी चीज़ पर इनका नियंत्रण नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी, वो जनता से आशीर्वाद लेकर नहीं गए हैं, वो जो अपने बड़े बड़े सिपे सलाहकार थे उनसे आशीर्वाद लेकर गए हैं। अब मुख्यमंत्री जी अब खुद ही बता रहे हैं कि जिनसे वो आशीर्वाद लेकर गए हैं वो तो नशे के सौदागर निकले। तो अब आप ही जनता देख रही है कि क्या एक ड्रामा चल रहा है जी। जनता से कोई आशीर्वाद नहीं लिया गया, आशीर्वाद एक दिखावा था। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जिनसे आशीर्वाद ले गया वो तो नशे के सौदागर हैं जी।